बसमिल रहीम अलिकुम हैरमन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्राम वर्ल्ड इंग्लिशज़ कैन इंग्लिश इन वर्ल्ड इंग्लिश पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिंगापोरियन इंग्लिश को जिसको हम सिंग्लिश भी कहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की वीडियो में हम कैन इंग्लिश की हिस्ट्री ग्रामर वकैबलरी और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे सो टाइम कोस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टड केनियन ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इसका नाम है ठीक है इज़ अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका ये अफ्रीका में है विद द पॉपुलशन ऑफ मोर देन 47.6 मिलियन इन द 2019 सेंसिस सेंसिस का मतलब है शुमारी सो so, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 47.6 मिलियन है 2019 में जब शुमारी हुई थी कैनियाज़ द ट्वेंटी सेवन मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेवन मोस्ट पॉपुलर्स इन अफ्रीका दुनिया में सताईसवें नंबर पर इसकी सबसे बड़ी आबादी है और अफ्रीका में सेवेंथ नंबर पे है केन्या का जो कैपिटल है वो नैरोबी है और इसका जो ओल्डेस्ट कैपिटल है वो कौन सा है ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एंड फर्स्ट कैपिटल इज़ द कोस्टल सिटी ऑफ मम्बोसा ये इसका फर्स्ट कैपिटल था ठीक है उसके बाद कैपिटल चेंज हुआ इसका नाम क्या रखा गया है नयरबी कैसमो सिटी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी एंड आल्सो एन इनलैंड पोर्ट ऑन लेक विक्टोरिया ये एक जगह का नाम है एक सिटी का नाम है केनिया में एज ऑफ 2020 केनिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकानमी इन सब सारियन अफ्रीका आफ्टर नाइजेरिया एंड साउथ अफ्रीका तो ये इकानमी के लिहाज से इसका भी तीसरा नंबर आता है नाइजेरिया और साउथ अफ्रीका के बाद कनियन इंग्लिश इज़ अ लोकल डायलेक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंगवेज स्पोकन बाई सिविलल कम्यूनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स इन अब ये जो केनियन इंग्लिश है डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग केनिया में लाइक इसको लर्न करते हैं इसको पढ़ते हैं इसको सीखते हैं एंड अमंग सम केनियन एक्सपर्टीज़ इन अदर कंट्रीज और इसके जो अपने लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी अपनी लैंग्वेज यानी जो केनियन इंग्लिश है उसको यूज़ करते हैं द डायलेक्ट कंटेंस फीचर्स यूनिक दैट व डराइव फ्राम लोकल बानटो लैंग्वेज सच एज सिवाइली अब कोई भी लैंग्वेज हो उसका जो इफेक्ट होता है यानी उस पे जो इफेक्ट होता है सपोज आप कोई लैंग्वेज ले कर आते हो अब के के तो अपने लैंग्वेजेस होते हैं लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका है इनके अपने लोकल लैंग्वेज़ का है जिसमें एक लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर मैंशन की वो है सिवाइली द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूसड टू केनिया इनिया अलॉन्ग विद यूनाइट किंगडम्स कॉलनाइजेशन अब इन इंग्लिश कैसे हुआ इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब एटीन में यूके यानी जो अब ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने कॉलोनी बनाई थी कैनिया में यानी कैनिया को कॉलोनी बनाई तब जो है इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ और बिफोर बिकमिंग अ कंट्री कॉलोनी इन 1920 ट्वेंटी हैड बीन इस्टबलिश एज अ ट्रेड लैंग्वेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दवाइली कोस्ट एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन तो ये जो इनकी एक लैंग्वेज थी सवाइली ये एज अ ट्रेड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जाती थी एंड इट वाज आल्सो यूज्ड इन एजुकेशन और इवन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी यही लैंग्वेज यूज होती थी फिर स्लो स्लो ये खत्म होती गई इंग्लिश uh, लैंग्वेज जो है उसको जो है लाइक ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया द ब्रिटिश रोड्यूज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ सिवाली देखो जैसे अभी मैंने बात की कि उस लैंग्वेज को इन्होंने ख़त्म किया फिर कौन सी लैंग्वेज को इन्होंने लाइक uh, प्रोमोट like, किया इंग्लिश लैंग्वेज को और इस तरह ये जो है इनकी लाइक मीडियम लैंग्वेज बन गई थी केनिया रिमेंड इन ऑफिशियल यूज़ आफ्टर केनियर्ज इंडिपेंडेंस ऑफ ट्वेल्थ सितंबर 1963 में इसको इंडिपेंडेंस लाइक आज़ादी मिली द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ केनिया आर इंग्लिश एंड सिवाली अब इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है इंग्लिश और शिवाली है विद द लेटर आल्सो रिकोगनाइज एज द नेशनल लैंगवेजेज़ज़ज और यही दो लैंग्वेज के नेशनल लैंग्वेज भी बन गए और इंग्लिश इज़ नॉट यूज एज अ कॉमनली एज अदर नेटिव लैंग्वेज इन केनिया इट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन एरिया सच एज मीडिया गवर्नमेंट एंड स्कूल्स लेकिन इंग्लिश जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है मीडिया पे या टी वी शोज़ में या डिफरेंट पोलिटिकल या जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है या पोलिटिशन होते हैं वो यूज़ करते हैं तो सेम टू सेम वहाँ पर भी यही सीन है मतलब गवर्नमेंट वगैरह में यूज़ होता है मीडिया में यूज़ होता है स्कूल वगैरह में यूज़ होता है जैसे पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज़ में पूरा एक अब बी एस इंग्लिश अगर करें सो इट मीन्स इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रोमोट किया जाता है इस लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज को अब अगर इसके ग्रामर की बात करें तो कैन इंग्लिश की अगर ग्रामर की बात करें तो इसमें जो है ये क्या करते हैं ये हमेशा जो है आर्टिकल्स है उसको रिमूव करते, है, करते हैं उसको ओमिट करते हैं ओमिट मैनी ख़त्म करना द पोलराइजेशन ऑफ अनकटेबल नॉम्स द एवॉइडेंस ऑफ यूजिंग द रिलेटिव प्र नॉम हुटि तो इसमें फिर ये जैसे ओमिट करते हैं आर्टिकल्स का इसी तरह पोलराइजेशन का जो है अनकन्टेबल्स uh, के साथ यूज़ करते हैं और रिलेटिव प्र जो है यूज़ करते हैं जैसे हो गया है, और अदर एडजेक्टिव एंड एज नॉन्स अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए इन केनियन इंग्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जैसे यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है अगर आप देखें तो हम हमेशा जब भी बर्गर मांगते हैं हम क्या कहते हैं आई वॉन्ट अ बर्गर आ जरूर यूज करते हैं इट मीनस अब ये आ एन और द दर्टिकल है लेकिन केनियन जो लोग होते हैं वो क्या कहेंगे आई वॉन्ट बर्गर आई वॉन्ट बर्गर या गिव मी बर्गर गिव मी अ बर्गर नहीं कहेंगे गिव मी गिव मी बर्गर या आई वांट बर्गर तो सेम टू सेम यहाँ जैसे मैंशन है आई वॉन्ट अ बर्गर की बजाय ये क्या कहेंगे आई वांट बर्गर ठीक है आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और उसके बाद क्या है इन केन इन इंग्लिश इज़ ओपन यूज एज दैट वुड अदरवाइज बी डेम्ड इन स्पेशली विध अनकाउंटेबल लॉन्स अ गुड एग्जाम्पल वुड बी एडिंग द आर्टिकल द टू द अनकाउंटेबल लॉन जैसे मैंने बताया ना कि केन इन इंग्लिश में क्या होता है ये जो द है इसको अनकाउंटेबल लॉन के साथ यूज़ किया जाता है अब मर्ड है मर्ड जो है क्या है इस ये जो है अनकाउटेबल लॉन है लेकिन इसके साथ जैसे यहाँ पे सेंटेंस uh, में क्या कह है आई स्ट्रेप्टन द मर्ड यानी मैंने जो किचड़ है उसमें उसमें कदम रखा द मर्ड अब मड जो है ऑब्वियसली वो क्या है अनकाउंटेबल है लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ किया द यूज किया ऑन माय वे ऑन माय वे होम सम अनकाउंटेबल ऑन सच एज डेटा इक्विपमेंट मनी ये फिर और एग्जांपल्स है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा द फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा देर इज अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट बींग एट और ये जो ऊपर वर्ड्स मैंशन है इस पर एक जुमरे बने हैं ये आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आपके लिए ईजी होंगे बाकी आपने पूरे एग्ज़ाम्पल्स नहीं देने एक दो एग्ज़ाम्पल याद कर लीजिएगा जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है ये ईजी एग्ज़ाम्पल है और उसके बाद एक ये एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखें आप लोग देख लीजिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल आई पर्सन नेम जॉन ओमेडी ओमनेडी वुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ सेल्फ बाई सेग माई नेम्स आर जॉन ओमेडी इंस्टेड ऑफ़ माई नेम इज़ जॉन ओमेडी जैसे यहाँ पर फिर इन्होंने मैंशन किया कि ये जो है नेम की बजाय नेम्स कहते हैं ठीक है अगर ये अपनी इंट्रोडक्शन दे दे तो ये क्या कहेंगे माई नेम्स इज जॉन ओमनेडी अगेन दिस इज स्पेशली प्रिविलेंट इन द रूरल एरियाज एंड अमंग द लोअर एंड लोअर मिडिल क्लासेज बट आल्सो डिपेंड्स ऑन इथेनिक जनाब अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंशन की गई है कि ये ज़्यादातर ये जो क्या कहते हैं मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास है उनके बीच में ज़्यादा ये इस तरह कॉमन है बाकी जो एलिट क्लास है उनके बीच में ये कॉमन नहीं है एज मैं बिफोर इज अ टेंडेंसी टू द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन नाउन इन केनियन इंग्लिश वेर द यूज़ ऑफ़ दर्ड वुड यूजअली बी रिलीपलेसड विद दैट अब मैंने पिछले uh, स्टाइल में बात की कि हु का यूज़ करते हैं लेकिन हुस की जगह ये क्या यूज़ करते हैं देट का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द मेन हुस कार आई वोट वेंट टू मुम्बासा लास्ट वीक द मैन दैट आई वोट अ कार तो ये हु की जगह है, ये क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे बाकी सेंटेंस तरह है और ये फिर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ग्रामर से रिलेटेड है अब हम आते वोकेबलरी की तरफ या कैन वोकेबले किस तरह है केनियंस जनरली यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश केनियन क्या करते हैं ओबियसली इनको इनकी इनके मुल्क यानी इनको किसने कॉलोनाइज़ किया था ब्रिटिशर्स ने किया था तो ये लोग किसकी इंग्लिश बोलेंगे कैनिया सॉरी ब्रिटिशर्स की इंग्लिश बोलेंगे तो सेम टू सेम अगर जैसे पाकिस्तान या इंडिया है इंडिया ओबियसली उस वक्त था किसने कॉलोनाइज़ किया था ब्रिटिशर्स ने किया था और आज हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं कौन सी इंग्लिश यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं सो सेम टू सेम कैनिया भी कैन जो है वो भी ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं इज़ वेरी सिमिलर टू दैट इन ब्रिटिश इंग्लिश कॉमन एग्जाम्पल्स आर चिप्स एंड फ्राइज ठीक ये चिप्स एंड फ्राइज फ्रेंच फ्राइज़ एंड फ्राइज़ इन अमेरिकन इंग्लिश अब फ्राइज जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है लेकिन चिप्स जो है ये क्या है ब्रिटिश uh, इंग्लिश का वर्ड है क्रिप्स क्रिस्प्स चिप्स इन अमेरिकन इंग्लिश एंड फुटबॉल सॉकर इन अमेरिकन इंग्लिश फ़ुटबॉल जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश है तो कैनियन इंग्लिश भी हमेशा जो है वो फुटबॉल यूज़ करेंगे वो कभी भी सॉकर यू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो द यूज़ ऑफ द अमेरिकन टर्म हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन कैन इंग्लिश उनफन बारोज वैबलरी फ्राम लोकल लैंग्वेज़स अब ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी लैंग्वेज है अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें लोकल लैंग्वेज़स का इन्फ्लुंस ज़रूर होता है लेक लोकल लैंग्वेज इंटरवीन ज़रूर करते हैं मुदाखलत ज़रूर करते हैं उसकी वजह यह है क्योंकि हम तो ओबियसली नेटिव स्पीकर हैं नहीं इस लैंग्वेज की हमने लैंग्वेज सीखी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं हम अपने नेटिव लैंग्वेज का जो नेटिव लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं या जो सेंटेंसेस प्रेज होते हैं उसको ज़रूर यूज़ करते सो सेम टू सेम यहाँ पे केनियन इंग्लिश के बारे में भी यही है कि ये लोग जो है अपने लोकल लैंग्वेज़ का यूज़ ज़रूर करते हैं बाकी ये एग्ज़ैम्पल्स है आप लोग पढ़ लीजिएगा अदर बारो टर्म्स इंक्लूडेड फोल पोलॉली फॉर स्लोली एज आ रिजल्ट सम पीपल आल्सो से स्लोली स्लोली ठीक है जैसे ये वर्ड से पोल पोल क्या है ये इनके अपने लैंग्वेज का वर्ड है लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं स्लोली स्लोली है। और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं एग्ज़ाम्पल के बोले केनियन इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश ठीक है अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड ब्रिटिश अमेरिकन ब्रिटिश की बात की गई है यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स समेत समझाऊँगा अब ये क्या है देखो कैन इंग्लिश या स्टैंडर्ड इंग्लिश अमेरिकन ये जो पहला सेंटेंस होगा मैं आपको पहले समझा रहा हूँ ये जो पहला सेंटेंस होगा ये केनियन इंग्लिश का होगा बाकी ये जो दूसरा है ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का होगा सो so, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि केनियन इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश या ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश आर यू गेटिंग मी केनियन क्या कहेंगे आर यू गेटिंग मी डू यू अंडरस्टैंड वाट आई एम सेंग अमेरिकन या ब्रिटिश क्या कहेंगे क्या कहेंगे कि आई डू यू अंडरस्टैंड आई एम सेंग लेट मी कन्फर्म अमेरिकन कहेंगे लेट मी चेक और ये जो ब्रिटिशर्स है वो भी यही कहते हैं कि लेट मी कन्फर्म फिर आई एम एलाइटिंग आई एम गेटिंग ऑफ द बस वी हैव रीच्ड वी आर हेयर ठीक है यानी जो केनियन है या जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कहेंगे वी हैव रीच्ड लेकिन जो दूसरे अमेरिकन वो कहेंगे वी हैव वी आर हेयर आई गेव हिम ट्वेंटी बॉप आई गेव हिम ट्वेंटी शिलिंग्स एक्सक्यूज मी मी टू ठीक है इट हैज़ रिफ्यूज इवन मी सॉरी मी टू इट हैज़ रिफ्यूज इट्स नॉट वर्किंग ये जो पहला पहला सेंटेंस है ये क्या है ये हमेशा लाइक केनियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का है बाकी दूसरा सेंटेंस है ये किसका होगा अमेरिकन इंग्लिश जैसे ये सेंटेंस है इट्स स्टॉप्ट फंक्शनिंग तो ये किसका uh, सेंटेंस है कैन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का है और ये जो दूसरा है इजेंट इट इजेंट दट राइट डोंट यू एग्री और ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ओकेबलरी से रिलेटेड है ठीक है सम डे समेज़ इन द फ्यूचर टेक टी एंड ब्रेड प्रोवर्ब्स सम कैन इन इंग्लिश स्पीक्स ओकेजनली यूज प्रोवर्ब्स फ्रॉम फ्रामी एंड अदर लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश प्रोवर्ब कन्वीनिंग द मोरल ऑफ अ स्टोरी और गिविंग इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको पाकिस्तानी लैंग्वेज से भी दे सकता हूँ जैसे ये जो हमारे राइटर थे क्या तोफ़ी रफत उसने भी बहुत से ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है इंग्लिश में यानी जो इंग्लिश उर्दू के जो प्रोवर्ब्स थे या जो उर्दू के जो एडियम्स थे उसको किस में यूज़ किया है अपनी शायरी में यूज़ किया है मतलब ये इन इंग्लिश की शायरी जब करते थे तो उर्दू के जो ईडियम्स होते थे उसको यूज़ करते थे सो सेम टू सेम केनियन इंग्लिश में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन थी और फिर उसके बाद फिनोलॉजी है लाइक इंग्लिश इन साउथर्न इंग्लैंड केनियन इंग्लिश इज़ नॉन नॉन रिटोइ मेजर फोनोलॉजिकल फीचर्स इंक्लूड द लॉस ऑफ लेंथ कंट्रास्ट वावल्स द लेक ऑफ द मिड सेंट्रल वावल्स ये फोनोलॉजी से रिलेटेड है फोनोलॉजी आपने पढ़ी है साउंडस को कहते हैं uh, मतलब जैसे आप uh, एक वर्ड है जैसे आ, ए, एक, मतलब ए वर्ड है या आ, ए जो अल्पबेट uh, है तो उसके डिफरेंट साउंडस होते हैं फिर हमारे पास उसमें वावल्स आते हैं आपने हमेशा uh, सुना होगा कि पाँच वावल्स होते हैं और ट्वेंटी वन कॉन्सनेंट होते हैं लेकिन जब आप बी एस इंग्लिश कर रहे होंगे अगर आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें ट्वेंटी वावल्स कहते हैं कि ट्वेंटी वावल्स है हमारे पास और ट्वेंटी फोर जो है कॉन्सनेंट्स है मीन फोर्टी फोर एल्फाबेट्स हैं हमारे पास दोज हु डोंट स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड और अलाइव इन रूरल एरियाज इन केनिया में आल्सो पार्टिसिपेट इन कोड मिक्सिंग विच इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम अ लोकल लैंग्वेज वाज स्पीकिंग तो ये कोड मिक्सिंग का भी यूज़ करते हैं कोड मिक्सिंग का कंसेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लैंग्वेज को जो है चेंज करते हैं सपोज़ अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मैं अचानक इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँ या इंग्लिश सेंटेंसज़ यूज़ करूँ तो ये क्या होगा ये कोड मिक्सिंग में आएगा कोड का मतलब है सोशल लैंग्विस्टिक में मैंने बताया था कि कोड का मतलब क्या है कोड जो है लैंग्वेज को कहा जाता है लैंग्विस्टिक की जबान में कोड जो है लैंग्वेज को कहा जाता है आई थिंक कंप्यूटर की जबान में भी कोड को कोड uh, जो है लैंग्वेज को ही कहा जाता है कॉन्सनेट जैसे यहाँ पे वॉवल्स की बात थी तो यहाँ पे कॉन्सनेट नॉन स्टैंडर्ड प्रोनन्िएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लोकल केनियन इंग्लिश इज प्रोवर् पॉपुलरली नोन इन द कंट्री एज श्रबिंग अ वर्ड विच इज़ ऑल इट्स फॉर्म इट्स इल्फ फोन टू दिस अकरेंस तो ये कॉन्सिनेंट से रिलेटेड है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इजी है बाकी इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने सिंपल बताना है हिस्ट्री से रिलेटेड और एक दो एग्जांपल जो है ग्रामर के देने हैं वो कैबलरी के देने हैं uh, प्रोवर्ब जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना वर्स और इसके कॉन्सिनट इतने इंपॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यूगाडियन यूगान्डियन इंग्लिश को डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी कि के कैनडियन इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपसे वर्ल्ड इंग्लिश के अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि के केनियन इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं कोई एग्जाम्पल समेत आपने डिस्कस करना है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल पूरी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ला टेक केयर सर